बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात पर आए सिख यात्रियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सिख यात्रियों की स्पेशल ट्रेन में से पहली ट्रेन लाहौर स्टेशन से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। बात कर लेते हैं हसाम अजमल से, जो वहां पर ही मौजूद हैं। हसाम, कहिएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज सुबह से सिख यात्रियों की जो है वो रवानगी का सिलसिला जारी है। उनकी 10 रोज़ा जो है वो तकरीबात जो गुरु नानक की 549वीं उर्स के सिलसिले में थी, आज अख्ताम पजीर हो रही हैं और लाहौर में उनका जो है वो आखिरी मराहल जो है वो चल रहे हैं। और दो ट्रेनें जो है वो भारत की तरफ लाहौर से रवाना हो चुकी हैं और वाघा बॉर्डर से अटारी और अटारी से वो अमृतसर जाएंगी। सिख यात्री हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर आए, 10 दिन आपने गुजारे, अपने इस सफ़र के बारे में भी और पंजाब पाकिस्तान के बारे में। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम शुक्रिया करते हैं। क्या बताइएगा आपकी जो रसूमात थी उनके हवाले से? हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग गुरु नानक देव जी के 449वां जन्मदिन से वह मनाने आए। इधर जो गौरमेंट का वह बहुत धन्यवाद करते हैं, सानू उन्होंने वीजा दिता तो असी पाकिस्तान आने का मौका दिता और साड़ी बहुत मतलब सेवा भी इन्होंने की, रोटी पानी की और सौन की व्यवस्था, कोई सानू दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लग्या। अल्लाह चाहे तो अगे वास्ते भी असं आना चाहेंगे। तो दोबारा भी पाकिस्तान आओगे तो जड़ा है पाकिस्तान की मेहमानवाजी तो सारा? हाँ बहुत अच्छा लगा, तो गुरु नानक देव जी ने फिर बुलाया तो असं जरूर आना चाहेंगे। जी आप बताइएगा अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा। इतने के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत मज़ा आया सुन के, देख के मेहमान नवाजी सारे, इन्ना प्यार मिले इतने यार, प्यार की यादा लेके जा रहे हैं अस। बहुत मैं फिर दोबारा फिर आना चाहवाँगा और बहुत ही अच्छा लगे मैंने इतने आके। जी बिल्कुल, सिख यात्री जो हैं वो बहुत खुश हैं। और जी आप भी कुछ कहना चाहते? असी लोग गवर्नर जी को मिलन गए सा, सरवर जी ने, सरवर जी ने बोलिया कि जिकर साडा हुण पिंड लाहौर है और गाँव साडा डिंगा है, असी डिंगा जाना चाहते हैं लेकिन परमिशन नहीं देंगे। तो सरवर जी ने असं अपील की थी कि असी अगली बार आइए तो सानू घट्टो घट्ट साडे पिंड जान दिता जाए, तो उन्होंने कहा कि तुहाडी मंग नू असी ध्यान च रख के अगली बार तुहाडे पिंड तुहानू जरूर विखाण लै जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरवर जी का, अगली बार जाकर सानू नाल लैके जाएंगे। जी बहुत खुश हैं। और जी आप कुछ और कहना? हमको ये लग गया भी कोई भी मन में कड़वाहट सी, हमको पता नहीं सी, आके इतना लग गया भी हमारे सब बच्चियाँ जैसे या जो बड़े या पिता जैसे या जो छोटे बच्चे जैसे जो बराबर के बहन भाई जैसे, इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, परमात्मा चाहे जरूर आएंगे हम लोग। जी बहुत खुश हैं सिख यात्री। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने और पाकिस्तानियों ने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया और बहुत उनकी खातिर ख्वाह तवाज़ों की और उनके तमाम इंतजाम बहुत अच्छे थे। और हमारे जो है वो अकब में तीसरी ट्रेन जो है वो सिख यात्रियों की जो है वो आ गई। कैमरा मैन इकराम शागर दिखाए, तो तीसरी ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है वो मौजूद है, वो आ चुकी है और सिख यात्री जो आखिरी ट्रेन है उसमें बैठने के लिए तैयार हैं। और तकरीबन 3800 सिख यात्री यहाँ पर जो है वो पंजाब में आए थे 10 रोज़ा तकरीबात पे गुरु नानक की, और इन्होंने अपने मकामात को जो है वो उनका दौरा किया और अपने गुरुद्वारों को जो है वो उन्होंने देखा। जी ठीक है, बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात पर आए सिख यात्रियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमें बता रहे थे हसाम अजमल, शुक्रिया आपका।